मेरी पहली प्राथमिकता है महागठबंधन। मैं सब कुछ भूल कर इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए महागठबंधन। हमने कभी नहीं कहा तेजस्वी या नीतीश कुमार बने ना पीएम। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब बिहार का कोई व्यक्ति पीएम बने। यदि लालू जी होते तो पप्पू यादव के बाद दंगा में उठाते। लालू यादव अब नहीं है, शायद किसी का आंसू पोसने वाला पप्पू यादव के नाम बिहार में कोई नहीं बताया। सबने आंसू पोसा होगा, पप्पू यादव ने सबकी जिंदगी बदला। जितना आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा आपका पप्पू यादव आपसे प्यार करते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है महागठबंधन, इसीलिए मैं सब कुछ भूल कर इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए महागठबंधन। हमने कभी नहीं कहा तेजस्वी या नीतीश कुमार बने ना पीएम। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब बिहार का कोई व्यक्ति पीएम बने। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो। मैं रोक लूंगा किसी के भेद को, किसी के जब समाज किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा तो क्या पप्पू यादव आत्महत्या कर लेगा कि सबको मिले। फालतू बातें जब होती है तो तकलीफ होती। लेकिन यदि आपको कोई पूछेगा गठबंधन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे, बिना आपकी ताकत के कैसे। मैं महागठबंधन को कहना चाहता हूं, गलतफहमी में मत रहिएगा। कभी कभी छुट्टी हाथी को मार देता है, कभी कभी दशमलव को बर्बाद कर देता है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार। कोसी सीमांचल मिथिलांचल में कभी लालू जी, शरद जी, तस्लीमुद्दीन जी बहुत ही हुआ करते थे। कोई चले गए, कोई जेत कर गए बेचारे। श्रद्धांजलि देता हूं शरद जी को, तस्लीमुद्दीन जी को। लालू जी को इतना बीमार कर दिया, ऊपर से नीचे सब लोगों ने मिलकर वह सिर्फ हम लोगों के बीच एक विचार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में एक विचार रह गए। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं और आप भी उसकी सोच। यदि लालू जी होते तो पप्पू यादव के बाद दंगा में उठाते। लालू यादव अब नहीं है, शायद किसी का आंसू पोसने वाला पप्पू यादव के नाम बिहार में कोई नहीं बताया। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और लालू यादव के बाद यदि किसी जाति के जस्टिस और किसी गरीब के आंसू, सबने आंसू पोछा होगा, पप्पू यादव ने सबकी जिंदगी बदला। अपने जेब से जिंदगी बदलने की ताकत आज तक के भारत के इतिहास में यदि किसी की हिम्मत थी तो वो सिर्फ पप्पू यादव की थी। और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो किसी परिवार में जाए और 50 रुपया देकर उसकी जिंदगी बदलने की तैयारी कर। सबने विचारों से बदला और हमने आर्थिक आजादी से हटा। क्योंकि मेरा मानना है कि गरीब या कोई आदमी मरता है तो उसकी सबसे बड़ी बेरोजगारी और मजबूरी अर्थ होता है। यदि हम 25,000-50,000 मदद कर देते हैं तो एक छोटा सा दुकान करके 300 रुपया कमा कर अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसी के मैं 25,000 रुपया देता हूँ। लोग बोलते हैं काठी न देखो सब कैसे काठी न बातें थे पप्पू यादव। हम लोग ज्ञान पढ़ने लगा हमारा अध्यक्ष सब कुछ असर कटवा सकते हम चुपचाप रह लो। क्योंकि याद है भगवान से किसी ने कहा कि आपको स्कूली पर हटाया, बोला ना समझ है, ना समझ को पर दया करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं पता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने अध्यक्ष को कहूंगा, जितना आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा आपका पप्पू यादव आपसे प्यार करता है। मैं हर पल आपके लिए सोचता हूँ, मैं हर पल एक छोटे साथियों के लिए सोचता हूँ, मैं हर पल एक छोटे साथियों की जिंदगी बदलने के लिए सोचता हूँ। और मेरे सत्ता में आने का मतलब है इस बिहार के अंतिम व्यक्ति से लेकर जो व्यक्ति 90 से 8 तक पप्पू यादव के संघर्ष का हिस्सेदार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा न बना दूं तो मेरे पैदाइश में बरसूगा।
हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू होगी। इसलिए 24 10 महीना और 25 मात्र पौने 2 साल और 2 साल ज्यादा देर नहीं होती है। हम आग्रह करेंगे आप हमको 6 सीट मत दीजिए, आप हमको 5 सीट मत दीजिए, हमको या तो 2 दे दीजिए या 1 दे दीजिए। 40 जिले में 1 सीट दे दीजिए हम पैर पकड़ते हैं। जिस दिन 1 सीट हमको दे दीजिएगा सिर्फ 20% पप्पू यादव बन जाएगी। दूसरों का पैर छूना शुरू कर दीजिए, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दीजिए और बिना किसी लोभ लालच के किसी से मांगे बिना ठगे आप एक ईमानदार आदमी बनिए। हम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन 1 विधायक दीजिएगा 40 होगा, 40 के बगैर किसी की सरकार इस बिहार में नहीं बनेगी। ये सोचिएगा क्या इसके लिए भी गठबंधन दौलत छोड़ दीजिए 40 20 को दे दीजिए, छोड़ दीजिए 20 15 को दे दीजिए। क्या 15 आदमी भी पप्पू यादव नहीं हो सकते? क्या ये टारगेट भी अभिजीत सिंह नहीं होगा? क्या 15-20 को पप्पू यादव पैदा नहीं हो सकता? 20 को पप्पू यादव सिर्फ पैदा हुई है और 2 साल ना भूतो ना भविष्य। अमेरिका रूस चाइना देश ने बिहार को नहीं आया हम दोबला के पैदाई को। और मैं आपको एक बात कह देता हूं जिस दिन बिहार में आपकी सरकार बनी उस दिन गरीब और अंतिम आदमी का राम राज शुरू हो, अकबर राज शुरू हो। उस दिन ना कोई दंगा होगा, ना जाति को गाली दी जाएगी, ना किसी गरीब को अपमान करेगा। सर मैं जिंदगी छीन लूंगा उस आदमी की, सच कहता हूं कानून बना दे रहे बिजली पानी सरकारी सुविधा आजीवन उस परिवार की खत्म कर दिया। गाली देके देखो किसी का, तुम किसी के घर पे झुक के देख लो, सुनो मुखिया वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ गया तो मेरे पेड़ आए थे वो कानून बनाने का राइट मेरे विधानसभा को। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर की विचार यदि आप अंबेडकर वाली चिंतन लाना चाहते हैं तो आपको विधानसभा और लोकसभा में सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। ये जो आप 500 से 600 की भीड़ है ये किसी जाति की नहीं है, विचार की भीड़ है और इसी में से 40 पप्पू यादव उसको चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।